जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज है शुभ दीपावली और इस अवसर पर हमारे टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अच्छा, इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको मैं बता दूँ, ये जो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज शुरू हुई थी 1750 क्वेश्चन की, इसके तहत आज आप पाँचवा पार्ट देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से आपको देखना है और मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रश्नों का संग्रह इसमें आप देखते हैं, सभी चुनिंदे प्रश्न हैं जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, जो कि पिछले एक वर्ष का यहाँ पर तकरीबन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इस दीपावली के अवसर पर बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर बीपीएससी वाले कोर्स में एक ऑफर है, यही वाला कोर्स है जिसमें हम आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये तमाम चीज़ आपको दे रहे हैं। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो ऑफर आया है, इस कोर्स को परचेज करते समय ये कूपन कोड आप लोग अप्लाई कीजिएगा, DEEP70, महज 199 रुपये में तमाम चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं और जो टेस्ट सीरीज के बेनिफिट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लीजिएगा। ये एक शानदार ऑफर है, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है जिसके माध्यम से आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी को घर बैठे एकदम परख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज का पाँचवा पार्ट है, इससे पहले चार पार्ट हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 141 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हर वीडियो में 35 प्रश्न होते हैं और इसका कटअप निर्धारित होता है 30, यानी कि हर हाल में 30 प्रश्नों को आप यहां पर सही सही हल करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप पास समझे जाएंगे, अन्यथा उससे अगर नीचे रहता है तो समझिए कि आप फेल करार दिए जाएंगे। ये ध्यान आपको रखना है। और हमने बताया भी है कि लगभग आपके बीपीएससी 70वीं बीपीएससी एग्जाम में लगभग 35 से 38 प्रश्न करेंट अफेयर्स के हो सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 35-35 प्रश्नों का हम आपको सेट दे रहे हैं। कुल एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा 1750 इस सीरीज में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला जो पीडीएफ है बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ और फ्री वीडियोज वाला सेक्शन में उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं एकदम से निःशुल्क। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। 141 नंबर प्रश्न है, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बताइए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सारण जिले के रहने वाले हैं हरेंद्र सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें हॉकी की, आपको मालूम है 11 से 20 नवंबर 2024 तक, यानी कि अगले माह नवंबर में, जो राजगीर में नया खेल अकादमी बना है वहाँ पर एशियाई चैंपियंस खास करके प्रतियोगिता आयोजित होगी महिलाओं को लेकर, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको लेकर हमने एक प्रश्न आपको बताया था, आई थिंक इसमें भी हमने डाला है कि उसका जो शुभंकर निर्धारित हुआ है वो आपको ध्यान रखना, जो बिहार के राजकीय पक्षी गोरैया है उससे प्रेरित होकर जो गुड़िया है इसका शुभंकर निर्धारित किया गया है एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतनी जानकारी है, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, या फिर बिहार से संबंधित कितने महान हस्ती को भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये तमाम जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी आपको डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और डिटेल में जानकारी हमने आपको दिया है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि 5 बिहारी को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। अच्छा, सारे प्रश्न जो आपको दिख रहा है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो एक्सप्लेनेशन है इसका, एक प्रकार से कहें वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ तो हम एक प्रकार से टेस्ट आपका ले रहे हैं तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार निम्नलिखित में से कहाँ विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। दरअसल यही थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ये राजगीर में, नालंदा राजगीर में जो नया खेल परिसर बना है यहीं पर इसका आयोजन होना है। और इसके लिए अभी हमने आपको बताया गुड़िया इसका, खास करके ध्यान रखना आपको कि जो गुड़िया से प्रेरित होकर इसका आधिकारिक जो शुभंकर रखा गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका तो राइट आंसर विकल्प नंबर ए है, राजगीर नालंदा। उसके बाद अगस्त 2024 में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को
दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2024 अक्टूबर नहीं बल्कि अगस्त महीने से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया कि बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को, जिन्हें कि आपको मालूम होना चाहिए कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, नहीं बात हम कर रहे हैं यहाँ पर आनंद कुमार की, जो सुपर 30 के संचालक हैं, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन विभाग का इन्हें खास करके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहले यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल के दिखेंगे, उसके बाद जो आगामी 30 प्रश्न होंगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पहले संस्करण को लेकर प्रश्न पूछा गया है बिहार वॉलीबॉल लीग की, इसका खिताब अभी हाल ही में नालंदा डिफेंडर्स ने अपने नाम किया है, ठीक है। अतः इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा नालंदा डिफेंडर्स, किसे हराकर, तो तक्षशिला सेवर्स को हराकर, अतः ये दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मिथिला स्पाइकर्स ने मगध सेटर्स को हराकर इसमें तीसरा स्थान हासिल किया। तो पहले संस्करण से संबंधित ये तमाम बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से 2024 में बिहार के एक भी नर्स को सम्मानित नहीं किया गया है, अतः विकल्प नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा डी, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक भी नर्स इसमें शामिल नहीं है। इसको लेकर पूरी कंप्लीट चार्ट पीडीएफ में आपको मिलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसका जो पिछला संस्करण था वहाँ पर बिहार से एक नर्स थी, गायत्री कुमारी, शायद मैंने आपको बताया है, उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। ये पहली बार है जब भारत ने किसी देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है, यानी कि निर्यात की है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी। अगर आप फिलीपींस को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की यह रिपोर्ट है जो भी हाल ही में आई है, ये इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है भारत के संदर्भ में कि आगामी कितने वर्षों में जो भारत की जनसंख्या वो दोगुनी हो जाएगी। राइट जो यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 77 वर्षों में, यानी कि 77 वर्षों में, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी कहा जा रहा है, एकदम वर्तमान समय की तुलना में देखें तो दोगुनी होगा, वर्ष मतलब वर्ष नहीं बल्कि अगले 77 वर्षों में, ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आगे है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए ये प्रश्न है, एक जानकारी और भी आपको इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार का जो नेट जीरो का लक्ष्य है वो क्या है, यानी कब तक का है, तो वो 2070 तक का है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और निकल कर आती है, इसको लेकर विस्तृत बातें आपको बताया जा चुका है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य निर्धारित है वो है 2030, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको खास करके मुक्त करने की दिशा में एक पहल चलाई जा रही है, उसको लेकर आपको ध्यान रखना है, उसका लक्ष्य है 2030। आगे अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर फीचर होने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये न्यूज वीक के कवर पेज पर फीचर होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन है, जो मतलब कौन थे या फिर हैं जो इस पर फीचर किए गए, तो इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है। आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में, आपको ध्यान रखना, ये त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, और ये इसका 25वां संस्करण है। पूछा गया कि किस देश को सहयोगी के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो वेल्स को, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 को कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है। देखिए, इसको लेकर जानकारी हमने कल वाले करेंट अफेयर्स के वीडियो में आपको दिया था, वहाँ पर चर्चा इसकी हो रही थी, हमने आपको बताया था। देखिए, रिसेंटली जो मतलब घोषणा हुई, अगर मंजूरी दी गई 3 अक्टूबर 2024 को, ये 5 शास्त्रीय भाषा को लेकर, अब ये कौन कौन से हैं वो बातें ऑलरेडी PDF में दी गई, आपको बतलाई भी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बतला दूँ कि इसके साथ ही भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या में इजाफा होकर ये हो गया है 11, ये ध्यान रखिएगा। पहले से 6 इसमें शामिल था और 5 अभी रिसेंटली मंजूरी दिया गया है, तो उसके इसमें जो सूची में जो ऐड हुआ, इसके बाद इसकी संख्या होगी 11। उसके बाद आते हैं 153 नंबर प्रश्न पे कि किस भारतीय शहर में हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस है, ये अभी भारत दौरे पर थे और इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया इनके द्वारा, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी की अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम है मोसाद, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी को अगर आप लोग टिक किए हैं तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा, ये अभी हाल ही में खबरों का विषय है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी खुफिया एजेंसी है, मोसाद उसमें अगर टॉप में देखा जाए तो टॉप में ये शामिल हो रहेगा, ठीक है, बहुत शक्तिशाली है, ये ध्यान रखिएगा, ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। आगे अगला प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। रतन टाटा के सम्मान में ये घोषणा हुई है और ये जो घोषणा किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिसेंटली रतन टाटा का निधन हुआ था और करेंट अफेयर्स के जो क्लासेस चलते हैं डेली, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बतलाया है, सभी को बारीकी से देखिएगा। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है वो आप हमें सौंप दीजिए, नो डाउट हम आपको बेहतर देंगे। हमारे मटेरियल को पढ़िए, जैसे अभी अक्टूबर वाला मटेरियल आपको दिया जा चुका है मंथली करेंट अफेयर्स का, आप एप्लीकेशन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को आप देखिए, पढ़िए, आपको नोट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बना बनाया हम आपको दे रहे हैं, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 156 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किन्हें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए 2024 का IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इसका राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि S. सोमनाथ, जो वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं S. सोमनाथ, इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी कोयला चालित बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है, अर्थात कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश निम्न में से कौन है। कल वाले वीडियो में इसकी जानकारी हमने आपको दिया था, अक्टूबर 2024 का ये करंट अफेयर्स है, जो आखिरी कोयला चालित या फिर कोयला संचालित जो संयंत्र था उसे बंद कर दिया है, और ऐसे में ये कोयला से विद्युत उत्पादन करने वाला मतलब जो प्रक्रिया है उसे बंद करने वाला दुनिया का पहला देश अभी हाल ही में कौन बना है, तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आप लोग ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न खेलों में और साधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को खेल मंत्रालय ने बंद करने की घोषणा की है और इसकी जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। बताएं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, बात यहां पर हो रही है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2002 में हुई थी।
विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2002 में ये शुरू हुआ था। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, 2023 में जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये अशोक कुमार को दिया गया। हमने कल वाले वीडियो में ही इसकी चर्चा किया है। चलिए, रिसेंटली का ये करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान रेमल का नामांकन किस देश द्वारा किया गया है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवाती तूफान उठते हैं, मतलब उसमें 13 देश है जो नामांकन करते हैं। ये प्रक्रिया हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि जब एक नाम रख दिया जाता है, उस नाम को दोबारा से इस्तेमाल, यानी कि दोबारा नामांकन नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर रेमल को लेकर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो नामांकन था, जो मई 2024 में तूफान आया, ये ओमान द्वारा नामांकन इसका किया गया था। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है। ये अभी हाल ही में ये प्रश्न हमने आपको बताया था। देखिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश को आप लोग टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बात समझिएगा कि अभी हाल ही में बिहार ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में उद्घाटन का किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। आपको मालूम होगा, रिसेंटली हमने बताया था। उसका 161 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 11वां पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत 14 पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का ये 11वां संस्करण था। भारत 14 पदक जीता, छठा स्थान पर रहा। पूछा गया कि यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी। बात हो रही है यहाँ पर 11वां पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप। तो ये आयोजित हुआ था कोबे, जापान में। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फीफा ने हाल ही में किस देश को 2027 में होने वाले 10वें फीफा विमेंस फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी है। तो फीफा द्वारा 2027 में होने वाले इस 10वें महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी अभी ब्राजील को सौंपी गई है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ब्राजील। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि इसरो का सूर्यान आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अभी हाल ही में सूरज से आने वाली सौर लहरों को कैप्चर किया है, और जिस कारण ये खबरों में है। हमने आपसे पूछा कि बताएं कि मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था, ये तिथि कौन सी है जब इसे लॉन्च किया गया था मिशन आदित्य L1 को। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान की सफलता के बाद इसे लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अतः विकल्प नंबर ए अगर आप टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 15 मई 2024 को एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग परीक्षण किया है। देखिए, फतह जो खास करके गाइडेड मिसाइल है, ये संबंधित है पाकिस्तान से। इसका द्वितीय संस्करण का ट्रेनिंग परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पूरा किया है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है किस प्रख्यात लेखक को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, यानी कि विकल्प नंबर सी अगर आप टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 166 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने हाल ही में भारत के किस सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो इसका जो नाम है ये है सेला सुरंग, जो कि आपको मैं बता दूं, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसे अभी हाल ही में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया, फिर इसको सूचित किया गया है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में 19 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि लालयान ज्वाला चांगटे, जिन्हें कि अभी हाल ही में मेंस कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। विकल्प नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नेशनल लेवल की नेल्सन मंडेला के 126वीं जयंती पर निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इनका नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रिगोबर्टा मेंचुतुम, जो कि ग्वाटेमाला की है, इन्हें सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार से,
2024 का ये पुरस्कार है जिन्हें दिया गया ग्वाटेमाला की रिगोबर्टा मेंचो तुम को। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश की है, बताएं कि लगातार यह कौन सा बजट है उन्होंने जो पेश किया है। तो लगातार ये उनका 7वां बजट है जो उन्होंने पेश किया है, लेकिन ये बात ये ध्यान रखिएगा जो अभी बजट पेश किया गया है ये नए संसद भवन में पेश इनके द्वारा ये पहला आम बजट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताएं कि युवा बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया और जो रिपोर्ट कहती है उसके आधार पर ये 10% हो गया घटकर, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की पुष्टि की है। ये पुष्टि अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा साउथ के जो सुपरस्टार हैं रामचरण, इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये शीर्षक है जिसके साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ये यहाँ पर प्रश्न है। तो राइट जो आंसर यह विकल्प नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया उमा रेले को, अतः विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय देश वेल्स जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है इसके पहले और श्वेत नेता या फिर प्रथम मंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है। खास करके ये ध्यान रखिएगा पहले और श्वेत नेता है जो कि प्रथम मंत्री कहे जाते हैं ये कौन बने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वॉन गेथिंग, अगर ए को टिक कर रहे हैं आप तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में भी 35 प्रश्न थे जो कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया है। ये तो अभी शुरुआती चरण में, इसका ये 5वां ही पार्ट है। हम कुल मिला के 1750 MCQ आपको करवाने वाले हैं इस सीरीज में, और इस सीरीज में 35 में आपने कितने प्रश्नों को हल किया है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक सभी लोग लिखेंगे कितना आपका सही हुआ। अच्छा, जो ऑफर को लेकर हम आपको बता रहे थे, जो लोग इच्छुक हैं BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कूपन कोड को अप्लाई करते हुए। पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर BPSC वाला कोर्स आपको दिखेगा, उसको परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 199 रुपये में तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक जानकारी और आपको बता दूँ, अच्छा वो स्लाइड यहाँ पर नहीं आया है, जो लोग इंस्टाग्राम पर मतलब बने हुए हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों कहने पर इंस्टाग्राम आईडी बनाया गया है, आप लोग हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। संकेत सर बिहार लिख के सर्च करेंगे तो पहला आईडी जो आपको दिखेगा उसे ही फॉलो करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जाते थे कमेंट करिए कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को हल किया और ये वीडियो सीरीज से आपको हेल्प हो रही है या फिर नहीं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार पुनः से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, धन्यवाद।